केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम जोरदांग झुमरीटाड़ में बिरसा सेन विस्थापन मोर्चा के बैनर तले दही चूड़ा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल में पहुंचने पर विस्थापितों ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। उक्त क्षेत्र के ग्रामीण विस्थापितों ने पूर्व विधायक निर्मला देवी का जेल से आने के बाद पहली बार क्षेत्र पहुंचने पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक निर्मला देवी ने सभी को बारी बारी से साड़ी वितरण कर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। साथ ही स्थल पर दही चूड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों ने एक स्वर में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी से खनन कार्य कर रहे चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के काम में अपने हिस्सेदारी की बात कही। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने घोषणा और मांग की कि चट्टी बरियातू खनन परियोजना का 90% काम स्थानियों को दिया जाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब भूमि हमारी है, हम यहाँ के स्थानीय रैयत हैं, तो काम दिल्ली और आंध्र प्रदेश के लोगों को मिले ये नहीं होने दिया जाएगा। हमारी ये मांग है कि चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना का 90% काम स्थानीय विस्थापित लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से दिया जाए, ताकि जिनका घर परियोजना के कार्यों से उजड़ रहा है उनको रोजगार और जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध हो। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर यहाँ जोरदांग गांव और बगार गांव में जो है रैयत विस्थापित और काफी दिनों से धरना दे रहे हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर के, चूंकि अब हमारी सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यह निर्देश है कि लोकल जो विस्थापित और प्रभावित हैं उन लोगों के साथ कंपनियां गलत करती है, तो उसका प्रोटेस्ट करना है, उसका विरोध करना है। और उसी मकसद से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश लेकर के हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट यहाँ जनता के लेकर रहे हैं, क्योंकि वो पिछला सरकार रघुवर दास की सरकार अत्याचारी सरकार थी और वो घमंडी सरकार थी, गरीबों और दलितों पर जो अत्याचार करती थी। आज हमारा हेमंत सोरेन जो है सबका ख्याल रख रही है और इसी ख्याल को रखने के लिए हम लोग एक माहौल बना रहे हैं यहाँ पर। और माहौल बनाने के बाद जब तक वन अधिकार पट्टा नहीं देता है और अस्थाई नौकरी नहीं देता है लोगों को, जब तक बसाया नहीं जाता है और यहाँ पर 2013 कानून नहीं लागू किया जाता है, और भी कई मांगे ऐसा है जब तक पूरा नहीं करेगी, बहुत जल्द ही कंपनी को यहाँ पर बंद करेंगे और कोयला ट्रांसपोर्टिंग जो है सो यहाँ से नहीं होने देंगे। और दूसरा चीज़ है कि लोग बोलता है कि जोगिंदर साहब 30% काम मांगता है, ऐसा वीडियो वायरल करते रहता है, तो हम तो ऐसा नहीं बोले हैं, लेकिन ये बात अगर यदि आती है तो हम रैयत हैं यहाँ का, हम विस्थापित हैं यहाँ के, और हम 30% और 90% क्यों, हम 100% काम मांगते हैं। और कोयला मेरा है, यहाँ के संपत्ति यहाँ के जनता रैयत का है, इसलिए कोयला पर अधिकार मेरा है। और जब तक यहाँ पर रैयत और विस्थापितों का जब तक मांग पूरा नहीं होगा और जहाँ यहाँ के लोगों का जो इच्छा और इन लोगों का सहमति नहीं ले होगा, तब तक यहाँ से कोयला नहीं जाएगा और यहाँ पर खनन को भी हम लोग बाधित करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ का रैयत विस्थापित निर्णय लिए ग्राम सभा के माध्यम से, और यहाँ का जो है जो जिस तरह से कंपनी कर रही है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये कंपनी का जो है सो ताला बंद करने का काम करेंगे। आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर हम सारे, चूंकि हमारी पत्नी और पूर्व विधायक निर्मला देवी आई है साथ में, लोगों में काफी उत्साह है और हर गांव में उत्साह है, हर गांव के लोग महिला पुरुष सब लोग इनको चाह रहा है, मांग रहा है, बुला रहा है, तो उसी उपलक्ष्य पर आज मकर संक्रांति उपलक्ष्य पर यहाँ पर चूड़ा दही तिलकुट का आज हम लोग यहाँ साथ में खाने का प्रोग्राम रखे हैं। और महिलाओं को आज मकर संक्रांति उपलक्ष्य पर गरीबों को एक एक घर पर साड़ी का वितरण अभी हम लोग करेंगे माननीय विधायक निर्मला देवी, पूर्व विधायक निर्मला देवी के हाथों द्वारा यहाँ के महिलाओं को एक एक साड़ी का वितरण किया जाएगा।